सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप बच्चों लोग? मैं आपका प्रिय संतोष सर आज फिर से लाइव आ चुका हूं। कहां तक पिछले वीडियो में आप सभी ने पढ़ा था? पिछले वीडियो में आप लोग क्लास 12th क्रैश कोर्स वीडियो में आप लोग देखिए वीडियो नंबर 7 तक हुई है। वीडियो 9 आज होगा, 8 तक हो गई है, 7 8 हो चुकी है, 9 आज होगा, जिसमें हम एक टॉपिक हेडलाइन लाए थे, उसको आप ध्यान से देखिएगा। हेडलाइन लिखाए थे मौसम थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, तबीयत सुस्त हो रहा है, आप लोग बच के रहेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। स्पेशल ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, कहने का मतलब है कि बायोलॉजी के कुछ ऐसे स्कोप होते हैं ना, जो आपको विभिन्न क्षेत्रों में लाइफ बनाने का, जॉब करने का मौका देंगे, समझ गए ना। आज तक बच्चों सब जानते क्या हैं कि बायोलॉजी पढ़ने वाले केवल बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, हॉस्पिटल में नर्स बनते हैं, या फिर मेडिकल स्टाफ कुछ बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्कोप होते हैं जो बायोलॉजी के शिक्षा ग्रहण करने के बाद, उसके स्पेशल कोर्स करने के बाद लाइफ में बहुत बड़ा काम देता है, जो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ हम आप लोग को बताने वाले हैं आज, जो आप ध्यान से देखेंगे। स्पेशल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और जो संबंधित बोटनी से भी होंगे और जूलॉजी से भी होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आप सबको सबसे पहला मैं इसमें बताने वाला हूं, जिसका नाम है जेनेटिक्स। आप ग्रेजुएशन करके आप बीएससी कर लोगे, उसके बाद जूलॉजी सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ोगे, पीजी करोगे, इसमें बहुत ऐसे स्कोप आते हैं ना, जो स्पेशल, जैसे क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर होना, जैसे आपका कोई भी पेड़ पौधे का प्रयोग करता है, फॉरेस्टर लोग, फॉरेस्टर डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, जैसे आप कोई बड़े बड़े कारखानों को बनाने वाला हॉर्लिक्स हो गया, न्यूट्रिशन जो बनाते हैं उसकी कंपनी भी आप जा सकते हो, और मिनिमम पैकेज हो जाता है मंथली, अगर बात किया जाए तो कम से कम 50,000 प्लस रहता पैकेज मंथली पर मंथ, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि आप सब बायोलॉजी का कोर्स कर लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। समझ गया ना, जिसमें कुछ कोर्स प्रमुख है जो बताएं आज आपको हम, जेनेटिक्स। ये क्या होता है, इसमें अनुवांशिकी गुणों का वंशागत कैसे होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, उसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। हम इसको लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की
वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीवों में वंशागत अनुवांशिकी गुणों का जाना ही एवं उसके विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही जेनेटिक्स कहलाता है। राइट, यहां तक आप समझ गए हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं। दूसरा जो ब्रांच हम बताने जा रहे हैं आप सबको, वो होता है रिप्रोडक्शन। हिंदी में आप लोग जानते हो उसे क्या कहता है, प्रजनन। इस वर्ष से आप सब मेरे प्यारे बच्चों, आप अननोन होंगे, कोई बच्चे जानते होंगे क्लास 9th, 10th, 11th, 12th से संबंधित बायोलॉजी के बुक से ये वर्ड है। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, जो आप लोग देखिए। सबसे पहले तो मैं इसे बताना चाहता हूं आपको कि रिप्रोडक्शन जो है ना, इसको तोड़कर पहले जानने की कोशिश किए। री अप्रोडक्शन, री मतलब होता है अगेन, क्या होता है अगेन, अप्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन करना, क्या होता है उत्पादन करना। मतलब कोई भी जीव, हिंदी होता है इसका पुनः, बार बार अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है या अपने जैसे बच्चे की उत्पत्ति करता है, उसी को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। आई एम राइट, ऐसा ही होता है। चलिए देखिए इसको, जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी जीव जिसके अंतर्गत किसी भी जीव अपने जैसा संतान की
उत्पत्ति करता हो तो उसे हम प्रजनन कहते हैं। प्रजनन करने के लिए हमें दो शरीर का होना, नर या मादा का होना अति जरूरी नहीं है। कोई एक शरीर के अंदर भी नर और मादा होना चाहिए। नर और मादा का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि नर का शरीर अलग हो, मादा का शरीर अलग हो, मेल अलग हो, फीमेल अलग हो। अगर एक ही शरीर में दोनों है तो प्रजनन की क्रिया कर सकता है। चलिए इसको लिख लीजिए। हो गया जी, गुड। दस बीस ऐसे शाखे लिखाएंगे, ब्रांचेज होते हैं बायोलॉजी के, जिससे आप उस शिक्षा ग्रहण करके आप लाइफ में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, इकोनॉमिकली मदद आपको मिल सकता है। तीसरी आइए आप लोग, चल देखिए अच्छा से। बात हम करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, इसका हिंदी भी वही होता है। मॉर्फोस एक ग्रीक वर्ड है, मॉर्फोस, और ये लॉजी का आप लोग जानते हैं क्या होता है, लोगस। लोगस का मतलब होता है ऑफ स्टडी, राइट, और मॉर्फोस का मतलब होता है एक्सटर्नल, किसी भी एक्सटर्नल भाग को, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर समझ गया ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सॉरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो इससे डिफाइन क्या निकलता है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि जब किसी जीव का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जीवी की कहानी होगा ना, तो उसमें से किसी भी जीव का जब हम उसकी संरचना के बाहरी भागों का अध्ययन करेंगे, कोई भी जीव हो, छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो, या फिर बीच वाला साइज का हो या बहुत बड़ा हो, चींटी से लेकर हाथी तक, कोई भी जीव के अगर हम बाहरी संरचना, एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है, बाहरी संरचना, क्या होता है, बाहरी संरचना, राइट, बाहरी संरचना। तो परिभाषा कैसे इसका लिखेंगे, जब किसी जीवों का, या बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीवों का बाहरी संरचना के बारे में या बाहरी आकारकीय शरीर के बारे में विस्तार पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक अगर कोई डाउट है आप सभी को, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फोन करके आप पूछ सकते हैं, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ रहता है, वहां से आप पूछ सकते हैं, या पढ़ने की मन है आपको तो 15 नवंबर से 12th क्रैश कोर्स
शुरू करने जा रहे हैं हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोग आ सकते हैं और केवल इसकी फीस हो रहेगी 499 रुपया। कितनी? 499 रुपया। कैश कोर्स 12th 15 नवंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका केवल चार्ज रहेगा, आपका जो फी रहेगा ये पूरे 31 जनवरी तक 2023 का सॉरी 2024 का 31 जनवरी तक वैलिड होगा आपका फी। और आपको पूर्ण रूपे क्रैश कोर्स आपको ऑफलाइन क्लास में ड्रीम क्लासेस बरबीघा सकल देव नगर में आप आइए, मोस्ट वेलकम है। और आपको 499 रुपया में फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनलाइन पढ़ना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफलाइन आना है तो 499 रुपया में पढ़ा दिया जाएगा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 12th के एग्जाम में आते हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं कहीं पढ़े हैं बायोलॉजी, आज जो पढ़ के भी संतुष्ट नहीं है कोई दूसरे टीचर के यहाँ या फिर सेल्फ स्टडी करके कोई डाउट्स है तो आप आइए मेरे क्लास में, उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश किया जाएगा और होगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट दिन है, ड्रीम क्लासेस बरबीघा में मेरे द्वारा क्रैश कोर्स बायोलॉजी का शुरू किया जाएगा और साथ ही साथ अपने ड्रीम क्लासेस की फैकल्टी द्वारा मैथ्स क्लास का भी क्रैश कोर्स चलेगा। सर हैं राहुल सर हैं, पीडी राहुल सर हैं, वो आप सबको मैथ बहुत अच्छे पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीवों का अकार्यकीय या बाहरी संरचना का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप लिख कर समझ लो। हो गया? ये गाना मुझे बहुत मोटिवेट करता है, जो मैं अभी मुस्कुराया था और गाया था थोड़ा सा, क्यों तरसता है रे बंदे, ये गाना बहुत अच्छा है, हर किसी की किस्मत बदलेगा अगर आप मेहनत करोगे तो। और ऐसे भी हमारे क्लास का ड्रीम क्लासेस का एक बहुत अच्छी कोटेशन है जिसको हम हमेशा बोलते हैं कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आइए, कोचिंग में हमारे एडमिशन लीजिए और पढ़िए और आपको हम सफलता दिलाने की पूर्णतः गारंटी लेते हैं, लेकिन जितना कहे हुए बातों को मेरे आप मानोगे, उतना मेहनत करोगे तब। और ऐसे भी मेरा कोचिंग का कोटेशन एक लाइन लिखी होती है, जहां सपने सच में साकार होते हैं उसी का नाम ड्रीम क्लास है। सच है, चाहे आप पढ़ाई के फील्ड में हो, बदमाशी की फील्ड में हो, सब कुछ में एक्सपीरियंस करा देंगे, लेकिन कब कराएंगे? जब उस लायक आप बनोगे। लफोगिरी करना है तो बेचक आप मेरी कोचिंग से बाहर जाइए, आप कुछ भी कीजिए, आपको हम लफवा बनने से नहीं रोक सकते, मेरे कोचिंग के अंदर आपको हम नहीं बनने देंगे, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए समझ गए होंगे, तीन हो चुका, आज चौथा ब्रांच मैं कल बताऊंगा आप सबको। ये तीन जो हुआ मॉर्फोलॉजी, जिसको हम क्या बोले थे, किसी भी जीवों के शरीर के बाहरी संरचना का, बाहरी संरचना डेट मीन्स क्या हो गया, मान लिया जब मैं अपने एग्जांपल लेता हूं तो मेरी सबसे बाहरी संरचना में स्किन आती है, आ गया हेयर्स, आ गया नोज, आ गया आईज, आ गया जो आपको विजिबल खुली आंख से दिख रहा हो ना, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा बाबू, मॉर्फोलॉजी। कोई डाउट, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप फोन करके पूछ सकते हैं, क्लास आकर पूछ सकते हैं। किस तरीका से अब सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा धीरे धीरे, आपका एग्जाम होने से पहले टोटल क्रैश कोर्स का वीवीआई पॉइंट्स में बता दूंगा, जो 100% एग्जाम में लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और अगर नहीं लड़ते हैं तो आपको नॉलेज भी बढ़ेगा। लेकिन 100% की गेसेस क्वेश्चन में जो यहाँ टेस्ट होने वाला है, टेस्ट सीरीज, उसे आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। चलिए आज यहीं तक, ठीक है, आज तक के लिए यहीं तक। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।